हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल रात में मैंने फिर से तेल लगाया था, तो आज मैं बाल साफ करूँगी। अभी बज रहे हैं 7:30, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने और नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में बनाऊँगी पोहा, क्योंकि बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, तो जा रही हूँ पोहा बनाऊँगी और चाय। घर पे बन रहे हैं पोहे। अभी इसके लिए मैं आलू तल रही हूँ और घर पे है चाय। चाय हो रही है। पोहे किसे किसे पसंद है? जिसे पसंद हो तो आ जाए मेरे यहाँ और पोहे खा ले। तो हमारा पोहा बनके तैयार है और यहाँ चाय भी। तो चलते हैं गार्डन में और दिखाते हैं बढ़िया फूल। देखिए, आज मैं आपको फूल दिखाती हूँ। बहुत सारी फ्लावरिंग कर रहा है ये बेला। तो मेरा बेला ना बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है इस टाइम पे। ये देखिए, यहाँ पे डोरी लगी हुई है और इस तरफ भी फूल लगे हैं और ये काफ़ी लंबा चौड़ा, कितनी सुंदर इसकी पंक्तियां हैं, डोरी भी लगी हैं और कितना लंबा चौड़ा ये फैला है। तो मैं ना सोच रही थी कि ना कि इसको कट करके और दूसरी जगह लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हैं तो ये ना दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मैं ना सामने जाके इसको लगा दूँगी। और ये देखिए, ये किट्टू दिखा रही है कितना सुंदर फूल है। किट्टू ने कुछ ना तोड़ लिए हैं और यहाँ पे ना एलोवेरा लगा है, तो एलोवेरा ना ढका जा रहा है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो मैं ना इसकी साइड से कुछ कट कर लेती हूँ तो दूसरी जगह लगा के लगा दूँगी। और इसके पहले ना मैं लगा चुकी हूँ गमले में, मतलब 2 इंच के लगभग काट के। ये लग गया है, मीटर में ऐसे बांध दिया है ऊपर, तो ये चला जाएगा। जब ये और बढ़ेगा ना तो ये ऊपर तक चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसकी ना मैं कटिंग दिखाती हूँ बेला की। मैंने लगाई थी तो ये ना छोटे छोटे मैंने लगाए थे लगभग 2 इंच की तरह। तो ये देखिए पॉट में कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये। और इसमें ना छोटी छोटी लीफ भी आ गई हैं, छोटी छोटी पत्तियां आ गई हैं। और जब ये बढ़ेंगे ना तो मैं इसको ना काट दूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये बड़े बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे लगा ही है और पॉट में मुझे छोटा छोटा ही चाहिए। तो मैं इसको ना काट दिया करूँगी। और मुझे और बेला की कटिंग ना तुरंत ही लग जाती है, मुझे ना इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा, बस मैं कट करके लाई और यहाँ पर लगा दी। वो बहुत ही सुंदर ये लगता है। एक और पौधा दिखा रही हूँ, मनी प्लांट का। और एक ठेला वाला आया था तो वो बहुत सारे प्लांट लिया था, तो मैंने उससे 5-6 पौधे ख़रीद लिए थे। तो उनमें से एक था ये मनी प्लांट, क्योंकि मुझे मनी प्लांट चाहिए था। तो मैंने बाहर मिट्टी में लगाया था, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उसकी पत्तियाँ 2-3 सूख गई थी और उसकी रूट भी नहीं निकली थी जब मैंने उसको निकाला। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ना पानी में लगाती हूँ, तो पानी में ना बहुत जल्दी ये काम कर गया और इसमें ना रूट भी निकल आई है, एक पत्ती भी निकल आई है। ये यहाँ पर मैंने रखा है, ये एक बॉटल में ना, बॉटल को मैंने कट कर दिया है और इसे मैं डाल दी। देखिए एक ये छोटी सी पत्ती ये निकली है, छोटी सी पत्ती निकल आई है। और इसमें भी एक ये, इसमें भी मैंने लगा रखा है। तो ये ना बहुत अच्छा इसमें ग्रो कर रहा है, इसमें ना रूट भी आ गई है। ये ना पानी के अंदर है कि छोटे छोटे इसमें ना रूट्स भी निकल आए हैं।
ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है मनी प्लांट। मैं कब से सोच रही थी ना कि मुझे मिल जाए, तो फाइनली मुझे मिल गया है। और मैंने इसको ना अलग अलग कर दिया, मतलब दो उसमें दो बॉटल में लगा, तो मैंने दोनों बॉटल में लगा दिया है क्योंकि बाहर तो होने से रहा, तो मैंने इसी में लगा दिया था। और वीडियो बनाते बनाते मैं किट्टू को पढ़ाते भी जा रही थी, मैंने उसको होमवर्क दे दिया था तो वो कर रही थी और मैं वीडियो भी बनाते जा रही थी। तो ये था मेरा सुबह का रूटीन, मतलब मैं सुबह अपने गार्डन में ही मतलब थोड़ा बहुत समय व्यतीत करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी, तो अब मैंने नहा लिया है, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। अभी बज गए हैं 11:30, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।